शुक्रिया आपका शॉर्ट नोटिस पे आने का। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो हमने कार्रवाई की है आरटीआई काफ़ी टाइम से बिरलाम कॉन्स्टिट्यूंसी के वफूद हमसे मुलाकात हुए, जब जब उनसे मुलाकात हुई, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, जब भी हमने बड़गाम की तैमीर तरक्की के हवाले से गुफ्तगू उनके साथ की तो उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। खदशात का हवाला चाहे यह वहाँ की वर्क कल्चर से हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में कैसा वर्क कल्चर हो, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया, या वहाँ का जो टेंडरिंग सिस्टम है, टेंडरिंग कैसे वगैरह होती है, उस हवाले से भी उन्होंने हमेशा अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया। उनका मानना यह है कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बडगाम है, ये एक खास तबके को केटर करता है। ये उस तबके की सियासी ज़रूरियात हो या माली ज़रूरियात हो, उन सबको ही केटर करता है। आम बाशिंदा जो बडगाम का है वो इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है। उसका लगता है कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है ये सिर्फ और सिर्फ इस खास गिरोह के मकासद के लिए ही बना हुआ है। उनका ये मानना है कि जो दावा किया जाता है, मसलन किसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन हुई, बंद कंस्ट्रक्ट हुआ, ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुई, ये ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, इसके नाम पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से पैसा निकाला जाता है, मगर ये एग्जिस्ट ग्राउंड पर ये कंस्ट्रक्शन अमल में कभी लाई नहीं गई, या अगर लाई गई है नेक्स्ट ईयर भी इसी ड्रेन को, जो एग्जिस्टिंग ड्रेन बनी होती है, इसी को नया बताकर इससे फिर इसके नाम से पैसे लिए जाते हैं। तो हमने फिर जब इन खदशात को देखा और फिर हमने अपने साथियों के साथ बातचीत की कि इस तहफ़ुज़ात का कैसे हम अजाला करें, उसको हम कैसे एड्रेस करें, कैसे हम हुकाम तक इन चीज़ों को पहुँचाएं, तो हमने फैसला लिया दो तरीके से। एक तो हम आरटीआई फाइल करेंगे और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को इस हवाले से खत लिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इस हवाले से जो हमने हेड्स आइडेंटिफाई किए, हमने आरटीआई में भी और जो चिट्ठी हमने डिविजनल कमिश्नर को लिखी है उनसे हमने यही डिटेल मांगी है 7 नुकतों पर। नंबर 1, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैटरिन, जो स्कीम है लैटरिन वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, ये इसका स्टेटस क्या है, कितने लैटरिन पॉइंट बने गए हैं, कौन इसके बेनिफिशरीज है, कहाँ कहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं, वो डिटेल हमने मांगी है। दूसरा, जो जॉब कार्ड्स यहाँ वर्क अलॉटमेंट के लिए दिए जाते हैं उसकी भी हमने डिटेल मांगी है कि किनको ये जॉब कार्ड्स अलॉट हुए हैं, स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ भी ये लोगों का ये मानना है कि ये उन नामों पर इशू किए गए हैं जॉब कार्ड्स जो वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के बाहर रहने वाले हैं उनके नाम पर ये जॉब कार्ड्स इशू किए गए हैं। सिमिलरली तीसरा नुकता जिसकी हमने डिटेल मांगी है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंडर कौन कौन से काम एग्जीक्यूट किए गए हैं, बेनिफिशरीज कौन है इस अंडर दिस हेड। सिमिलरली जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, इनमें किन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो कौन सा किस प्रोफेशनल कोर्सेज में वो इस वक्त ज़ेर तालीम है, वो डिटेल्स भी हमने मांगी है। और 14th जो लास्ट दो इम्पोर्टेंट हेड्स है जो हमने जिनकी हमने डिटेल मांगी है, वो पहला छठवा 14th फाइनेंस कमीशन सेविंग यूटिलाइजेशन। इस हेड में ग्राम पंचायत में जितनी भी खरीदो फरोख, जो भी इक्विपमेंट्स ग्राम पंचायत के लिए की गई है, उसकी भी डिटेल हमने मांगी। और लास्ट में जो TRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सबसे बड़ा हेड है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का, जिसमें ज़्यादा पैसा अलॉट किया जाता है, इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, कैरी किए गए, कंप्लीट कितने हुए हैं, इनकम्प्लीट कितने हैं, ये सारी डिटेल्स हमने इस RTM और जो हमने एप्लीकेशन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को लिखी है ये हमने मांगी है। और हमें उम्मीद है कि हमें जल्द अज जल्द वहाँ से रिप्लाई मिलेगा, RTI हो या डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर से हो। और अगर हमें कोई इरेगुलरिटीज नज़र आई, कोई बेजाबती नज़र आई जो कागजों पे दावा किया गया है और ज़मीन पे जो दावा किया गया, अगर उसमें हमें फ़र्क नज़र आया कि, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस इनिशिएटिव को फर्दर आगे लें, हुकामों तक पहुंचाएं। अगर हमें ये भी लगता है कि हमें हाईकोर्ट की इंटरवेंशन करानी है तो हम वो भी कराएंगे। और हमारा ये मकसद है कि रहेगा कि
जो एक खास गिरोह, जो एक खास ग्रुप यहाँ है जिसने ब्लॉक डेवलपमेंट बात कराया हो या छोटे घर से ताल्लुक रखता हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, जो ईमानदारी के नाम पे या ऑनेस्टी के नाम पे यहाँ के बड़गाम के लोगों को एक्सपोज किया है, इन चीजों को बड़गाम के लोगों के सामने लाएं, इनको हम एक्सपोज